जाफर नाम का शख्स है, ये हमारे को बिजनेस के लिए पैसा लिया था, बिजनेस में लगा रू बोलकर लिया था। इस केस में धरे हुए हैं कि जाफर हमारे पैसे लेकर भाग कर गया है। अब जब भाग कर गया तो उसके चारों भाइयों से जाकर हम बात करें, ये पांचों भाइयां मिलकर पब्लिक को क्या है पागल बनाकर पैसे निकालिए से है। ऑपरेटर साहब को भी बोले कि ये घर उन्होंने खरीदे बोलकर सुनने में आया, तार लिया और नहीं लिया बोलता है, एक बार लिया बोलता है, लेकिन उन्होंने परसों सर्कल साहब के पास गए तो उन्होंने पेपर तक दिखाया हमारे को सब खोलकर। ये मैं वो कौन सी ऑफिस कारपोरेशन ऑफिस से पेपर वो निकाल कर लाई हूँ, मेरा नाम देखो, उनकी बहन के सबसे के सिग्नेचर बता रहे हो। कारपोरेटर का क्या काम रहता है, पब्लिक की खिदमत करना, पब्लिक की सेवा करना। उन्होंने जिस सीट पे बैठे वो पब्लिक की वजह से ही तो बैठे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। दोनों आप अभी मेरा जाफर नाम का शख्स है, ये हमारे को बिजनेस के लिए पैसा लिया था, बिजनेस में लगा रू बोलकर लिया था, मेरे से 3 लाख रुपए लिया है, ये इसका एग्रीमेंट है दिया से। ये लेकर एक थोड़े दिन ही छुआ, इन्होंने बोला इसमें बिजनेस में लगा रहा हूँ मैं, कुछ तो आपको उसमें मुनाफा दूंगा बोला था। देने के बोलकर थोड़े दिन हुए नहीं, भाग कर चले गया। उसके बाद उसके भाइयों से बात हुई, उसके भाइयों बोले कि फिक्र ना को करो आप, हमारा घर बिकने के बाद आप लोगों के सबके जो जो है हम देंगे। मांगता तो हमारे को वो हिस्सा नहीं होना, वो प्रॉपर्टीज नहीं होना बोले। ये प्रॉपर्टी तो नाम की है उनकी अम्मी की, लेकिन जो बिल्डिंग तैयार हुई है वो सब पब्लिक के पैसों से है। एक तरफ लेना एक जगह का खड्डा भरता था वो शख्स, अब मालूम हो रहा है सब पब्लिक सिटी अब हो रही ना, पहले किसी को भी मालूम करने नहीं दिया वो आदमी, सबके पास से पैसे लेते क्या, एक एक इधर लिया उधर दिया उधर दिया। वो लेकर ये करें, अब हम कारपोरेटर साहब को भी बोले कि ये घर उन्होंने खरीदे बोलकर सुनने में आया, उनको ऐसा सर्कल सर के पास बुलाए थे हम लोग, तो उन्होंने आए थे बातचीत हुई, तो वो लोग उन्होंने बोले अब वो रफीक बेचा मेरे को, मैं खरीदा, आप उनसे जाकर बात करो रफीक से, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ बोल रहा है। लेकिन उन्होंने बोले कि ऐसा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उनसे बात करो, उनसे उन्होंने बेचे मैं खरीदा, इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है बोले। कारपोरेटर का क्या काम रहता है, पब्लिक की खिदमत करना, पब्लिक की सेवा करना। उन्होंने जिस सीट पे बैठे वो पब्लिक की वजह से ही तो बैठे हैं, पब्लिक दी है उनको वोट बोलकर ही उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जब इतने सालों से घर के खरीब रहते थे उन्होंने उतने दिन से नहीं खरीदे, सीट पे बैठते ही कैसा घर खरीदे, पब्लिक को ये दबाने की ये है उनकी साजिश। 3 महीने हुआ नहीं उन्होंने खरीद कर, अब बोलते कि मैं उनसे नहीं लिया मैं रफीक से लियूं, हम ही जिता कर लाए सब उनको। अब वो सीट पर बैठते ही ना ऐसा एकदम से फायदा उठे, अगर उनको लेना ही था तो 4 साल पहले से कहीं उन्हें खरीदे, उन्होंने घर के खरीब ही रहते थे, उन्होंने महल्ले में रह से है बोले, सब मालूम है उनको महल्ले में क्या क्या चल रहा है, पब्लिक कैसी तकलीफ में है, ये उनको पहले सोचना चाहिए क्यों बोले, तो पब्लिक की वजह से बैठे ना उन्होंने। बस मेरी ये गुजारिश है मैडम कनीस फातिमा से, कमिश्नर सर ऑफिस से, सर्कल साहब से कि हमें इंसाफ मिले, क्यों बोले तो हम ऐसे उतनी हाई सोसाइटी के नहीं है, लो कैटेगरी के घर से है, हम लोग घर से है, हमारे को ये पैसों की सख्त जरूरत है, बड़ी मजबूरी में आकर दिए से है, ये फायदा उठा रहे बस इनके भाइयों को वो सबको क्या है, आप लोग बोलकर हमारा हक हमको दिला दीजिए। वो बहुत लोगों के लिए है जाफर, वो कुछ सुनने में भी आया कि कुछ लोग जो धारकारी है इनको उनको दिए भी, उन लोग बांटे भी पैसा, जो खामोश बैठे रिश्ते में रहो को हम रिश्ते का लिहाज करें, उनका रिलेशन में छे हमारे नो, वो रिश्ते का लिहाज करने की वजह से हम देते बोलकर हमको थपके उन्हों 5 साल से। अब सुनने में आया घर भी क्या बोलने में, अब करना पड़ा हमारे को ये इसकी केस ऐसा करना, अभी क्या कर सकते अब इनको बोल को तो फायदा नहीं हो रहा, चलो ये बोलने से तो क्या तो ये होगा मसले का हल, बोलकर हम यहाँ पर है। अब उन्हों सब रिलेशन में उन्हों रफीक साहब की बीवी क्या बोल रहे, हम घर बेचेस नहीं, उसके ओरिजिनल पेपर हैश नहीं, जाफर कहाँ लेकर गए वो उस कुछ मालूम है तो जाफर को, अब उन्हों तो बोल रहे कि घर बिकाश नहीं, अब कारपोरेटर साहब बोल रहे हम घर खरीदे, अब ये कौन खरीदे कौन नहीं, यहाँ पर जाफर के भौनी है, ये जाफर के भौनी है रफीक रजिया बोलकर उनकी बीवी का नाम है, वो अभी जो फर्स्ट बोले ना उनकी बहन है, उनकी बहन उनको फोन कर बोले बिकराज नहीं तुम लोग चुप जा रहे, इसका क्या भी नहीं होता, चुप तुम्हारा पैसा वेस्ट होता, देखो कुछ फायदा नहीं है बोलकर बोल रहे ना फोन करके, अब ये क्या है प्रॉब्लम सॉल्व होना देखो, बहुत जल्द बहुत मेहरबानी होती है। नहीं नहीं उन्होंने लिए घर खरीदे बोलकर आए, घर वाले बोल रहे घर बेचे नहीं बोल रहे, घर वाले बोल रहे उनकी बहन ही बोले कि घर बिकियाच नहीं, लेकिन वो नो परसों सर्कल साहब के पास गए तो उन्होंने पेपर तक दिखाया हमारे को सब खोलकर, ये मैं वो
कौन सी ऑफिस से, कारपोरेशन ऑफिस से पेपर वो निकाल कर लाई हूँ, मेरा नाम देखो, उनकी बहन के सबसे के सिग्नेचर बता रहे हो, अब क्या कौन लिए कौन नहीं, ये किसके पास है ओरिजिनल पेपर, ये आप लोग सॉल्व करना। वो मैडम है, कनीस फातिमा है, कमिश्नर साहब है, सकल साहब है, सबसे रिक्वेस्ट है कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपका नाम? तस्नीम। ये प्रॉपर्टी हमारे अम्मी के नाम की है, तो हमारे भाइया हैं अपचारिया, मैं मंगरू, उनको हिस्सा नहीं देते, नहीं होता अधिकार तेरा, नहीं है मंगनी का बोल रही, और मेरे शोहर मंगे तो उनको मारते हैं, हाथा पाँव तोड़ते हैं बोल रही, तो ये इसलिए मैं ये कारपोरेटर जो ले रहा है ना उसके नाम पर भी मैं करती हूँ, नहीं लेना और कोई भी नहीं लेना, वहीं से रहते वो इतने साल रहती रहते चुनने की फट्टी बकर कॉलोनी हूँ, कार लिया और नहीं लिया बोलता है, एक बार लिया बोलता है, उन्होंने बेचे में लिया, उनकी बेटी का अधिकार नहीं है मंगने का बोल रहा है, बोले हाँ नहीं लेना था तुम कहीं को लिए बोले तो, अरे बेटा का हाँ नहीं रहता उसमें, बेटे का रहता बोल रही, उन्होंने नहीं देते बोल रही, नहीं देते आंधे कौन मंगने आते उनके हाथम पाँव तोड़ती बोल रही। आपका नाम? काजबी। अबू बकर कॉलोनी चुनने की भट्टी। देखो हमें 3.5 लाख में रहन डाल लिए थे, शटर डाल लिए, 5 साल हुआ उसका देते हम क्या, तो भी बोल को बोले हम आपको तो ठीक है बोल को, हम 3.5 लाख में डाल लिए, लॉकडाउन हुआ ये नोटा बंद हुआ, देखो जब भाग को गए उन्होंने हमारे आदमी सदमे में आपको फांसी डालने को मारे था, कने से इसको दिया था देखो पैसे 3.5 लाख रहन डाल लेते हैं हम, दुकाना कितने दुकान? 3 दुकान बोल लेते हैं हम आपको। नाम? बीबी आयशा। पैसे लेकर भाग गया जो हम, मैं मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे रखी थी, वो पैसे दी उसको कि बिजनेस करके कुछ मुनाफा ये करेगा, और रहन दुकाना डाल के बोला महीना महीना किराया दे तुम बोला, लेकिन बोलकर लेकर भागकर चले गया, और हमारे ही पैसों से वो घर बनाया सो है करना। कनीस फातिमा कुछ हमारी मदद करिए और इस फैसले का आप फैसला कीजिए, और कारपोरेटर जो ताहिर है, हम वोटिंग देने से कारपोरेटर भी बने, और कनीस फातिमा अब हम लोग पूरी आम पब्लिक जो भी आपको वोटिंग से जिताई है, तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, वो आपकी वजह से कांग्रेस का नाम लेकर उन अपना काम कर ले रहा है। ताहिर भाई बोले के घर खरीदा मैं, ख़त्म बात ख़त्म, नहीं देता तुम्हारा पैसा बोल के बोल रहे हो, तो उन्होंने घर खरीदे सो है वो, अब बोल रहा है कि घर मैं नहीं खरीदा बोल रहे, घर तो वही खरीदा है, और अब पब्लिक को बोल रहे कि नहीं खरीदा बोलकर बोल रहे। बात हो गई कि बोला कि थोड़ा थोड़ा करके उसके भाइयों से बात हो गई कि हम घर बेचकर कुछ भी हिस्सा नहीं लेंगे, आपका जितना कर्जा है वो कर्जा दे देंगे बोलकर बात करे थे, अभी वो लोग भाइयां भी चेंज हो गए, नहीं देना पैसे बोलकर वो बोल रहे, किसे भी पैसा ही नहीं दे तुम बोल रहे उन लोग। और मैडम से रिक्वेस्ट है, कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे मतलब मदद करें, मजबूर लोग हैं, हमारी मजबूरियों को समझे। मेरा नाम शाहिन बेगम है। हम लोग 9 लाख घर बनाने के लिए पैसे दिए थे जाफर को, वो बोलते बोलते चले गया, भागकर गया, मिला नहीं क्या नहीं, उनके भाइयों का भी जाकर ठहरे तो उन्होंने भी नहीं बोले, हमारे पूछ को दिए क्या, वो बोले भागकर चले गए उन्होंने। अब हम बहुत परेशान है, ये पेपर है हमारा 9 लाख का, दुकाना डालते वो डालते बोले, पूछे तो भी नहीं बोले, भाग कर गया, हमारे के पैसे की सब जरूरत है, घर बनाने के लिए दिए थे है। अस्सलाम वालेकुम। जो भी हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं, इस केस में ठहरे हुए हैं कि जाफर हमारे पैसे लेकर भाग कर गया है, उसके चारों भाइयाँ भी इसमें शामिल ही थे। जाफर जब भाग कर गया तो उसके चारों भाइयों से जाकर हम बात करें, उनका नाम है अफसर, मुनव्वर, अनवर, मोहसिन, जाफर, ये 5 भाइयाँ मिलकर पब्लिक को क्या है पागल बनाकर पैसे निकालिए से है, जो धारकरियाँ हैं, डाकुआ हैं, उनके पैसे क्या है उनको वापस करा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अच्छी फैमिली से बिलोंग हैं, देता क्या है कि बोलकर वो उससे बैठे तो क्या है उन भाग कर गया, चारों भाइयाँ उनके क्या है घर बेचे ताहिर कॉपरेटर को, लेकिन ताहिर कॉपरेटर क्या है हमारी पब्लिक के साथ कॉपरेट करना था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं कर रहे, उनको आज हम जीत हम उनको वोट देने से क्या है आज उन्होंने सीट पे बैठकर वो फायदा उठा रहे, लेकिन ये गलत कर रहे उन्होंने हमारे साथ, कितने साल करेंगे यही ना। और कनीस फातिमा जो मैडम है प्लीज हमारे साथ कॉपरेट करिए, और जो उन्होंने घर लिए हैं कॉपरेट साहब वो या तो वापस करिए या तो हमारे पैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो भी हमारे को जो पेपर्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करें या तो गवर्नमेंट से स्टैम्प मारकर हमारी प्रॉपर्टी हमारे को दीजिए, बस यही गुजारिश है कनीस मैडम से, जो सर्कल हैं, कमिश्नर सर से जो भी रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज हमारे साथ कॉपरेट करिए। कॉपरेटर का नाम ताहिर है, ताहिर कॉपरेटर से भी हम रिक्वेस्ट करें कि ऐसा हमारे घर के पैसे लिए वो लिए बोले, तो भी उन्होंने क्या बोले नहीं मैं लियो अब घर, मैं किसको भी पैसे नहीं देता बोल रहे,
लेकिन रफीक से जाकर मिलो बोले। जो ये रफीक है उनके भाई है जाफर के, लेकिन भौनी है नो, और बहन भौनी भाइया सब मिलकर ऐसा गेम खेले हमारे साथ। हाँ बात करें जाकर चारों भाइया से, तो चारों भाइया क्या बोले, हम ये प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेते, घर बेचे के बाद आपको आपका पैसा वापस करते बोले। वो बोलने से भरोसा कर कर आए हम, चार पांच साल से खामोश बैठे थे, हमारे रिश्तेदार में थे उन्हों, हमारे भौनी के बड़े भाई के बेटे हैं उन्हों, इसलिए हम खामोश बैठे, नहीं तो हम जब का तब केस डालते थे उन्हों घर से भागने से। देखो उनके भी जाफर के भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, क्या इससे पैसा हम जमा करेंगे हमारा कुछ मालूम है। अल्लाह उनको ऐसी ये देना, देखो सजा इसकी बोल नहीं सकते, वो अल्लाह कुछ मालूम है उसकी सजा क्या होंगी। पैसे दिए कोऑपरेटर भी अगर दिए तो ठीक है, नहीं बोले तो कनीस फातिमा मैडम ही जब इसका फैसला करेंगे। कांग्रेस का ये फायदा उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे, आज हम वोट देने से क्या है, कनीस मैडम भी जीते हैं और ताहिर कोऑपरेटर भी जीते हैं, जो भी हमारे से हो सका हम वो पूरा करें कांग्रेस को जिताने के लिए। आज हमारे को भी उसका सिला होना, हमारे को कल के रोज हमारे को भी भरोसा कांग्रेस पे नहीं रहेगा। थैंक यू, जो भी हमारा हम दे रहे आपको बोलने के लिए इंटरव्यू बोल रहे, प्लीज मैडम हमारे साथ कोऑपरेट करिए। ये आम जो भी औरतें हैं, हमारे बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी शादियां हैं, हमारे को बहुत सोचना पड़ रहा है। हमारे शौहर हैं, बेग दुनिया के लड़ाई हो रही, कई जिंदगियां खराब हो रही, लड़ाई झगड़े जो भी कुछ है सिर्फ ये पैसों की वजह से हो रहे, बहन भाइया लड़ रहे, शौहर बीवी लड़ रहे, सब जो भी है मैडम प्लीज कोऑपरेट करिए हमारे साथ, बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। बहुत आपके तहे दिल से हम शुक्रगुजार रहेंगे मैडम, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हम सब की हमारे बच्चियों की दुआ लगेगी मैडम आपको, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करिए। 9,05,000 लेके गए, 13,00,000 में घर बनाने के लिए बात करे थे चार लोगों में, इंशाल्लाह बनाऊंगा बोले तो मैं 9,05,000 रुपए नकदी दिया उनको। और उन्हों क्या मालूम है, अब मैं बहुत परेशान में हूँ बोल के, क्या है मालूम ना, अब घर मेरा बिकने के बाद इंशाल्लाह तुम्हारे को, या घर में से बना पैसे बिकने के बाद घर बना के दे दूँ, या नहीं बोले तो मालूम है मैं तुम्हारा दुकान पे एक कब्जा दे देता हूँ, उनको बोले हैं आप रिक्वेस्ट करके आप मेहरबानी करके आप ये हिस्सा दिला दीजिए। वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। ये ताहिर भाई क्या है, ये जगह खरीदे बोल के बोल रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, पूरा लिंक डॉक्यूमेंट्स के साथ है पूरा, उनके अम्मी के पास से खरीदे बोल के बोल रहे हैं, उनके अम्मी के उनके जहाँ से लिए वो भी है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। देखो ये लिंक डॉक्यूमेंट्स है फर्स्ट का, उसके बाद इनो लियसो भी है, उसके बाद जाफर के अम्मी भी लियसो है, लिंक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तकरीबन 6 साल हुआ मेरे पास रह गए। तो उनके भाइयों को बोले तो क्या बोले, नहीं घर भी कंधे तुम्हारे पास आके लिख जाते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास ही है तो जब भी बिकेगा हम आपको तुम्हारे पास से लेको जाएंगे, तुम टेंशन कहीं को ले रहे हैं बोल के इतना दिन बोले। अब 3 महीने पहले ताहर भाई खरीदे बोल के क्या करे, शटरा वटरा खोल के ताले थे पूरा साफ सफाई कर रहे थे, तो हम क्या करें, हम शटरा पूरा ये करके दिए, मोटेज करके दिए सो है 4 शटर, तो उन्होंने हम क्या करें, वो जगह पोजीशन लेने के वास्ते गए तो हमारे पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगाए थे, तो वो चोरी का इल्ज़ाम लगाए बोले तो चोर चोरी करके क्या नाम चिपका के जाता, क्या नंबर चिपका के जाता, ताले भी डाले थे हम, तो हमारे ताले खोल के क्या बोले उन्होंने, नहीं तुम चोरी करे सो है वो करे सो है बोल तो हमारे नाम से केस करे उन्होंने, तो हम बोले तो चोर चोरी करके क्या नंबर चिपका के जाता, क्या मैं चोरी करी हूँ बोल के। तो अब ताहिर भाई बोल रहे ये बोले तो लिंक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं पूरे, अब आगे स्टेप क्या रहेगा, अब आगे स्टेप जाफर भाई के भाई उनको बोल को बोले तो उन्होंने क्या बोले, नहीं मैं परसों भी उनके 2-3 दिन पहले पूछा, 2-3 महीने पहले, तो कैसा है भाई आप क्या माना था हमारे पास है लेके जाना था बोल के बोले तो नहीं आप कौन देना, अब हमारे पास पैसा कहाँ होता, तो अब घर तो बिका ना भाई तो आके लेके जाना ना उन्होंने, अब उन्होंने क्या बोल रहे नहीं जब भी बिकेंगे हम तुम्हारे को ला के देंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है तो फिर बिका कैसा घर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है ना, रजिस्ट्री कैसा होती हो, कॉर्पोरेट रहने से मेजोरिटी में आने की वजह से ताहिर भाई ये ऐसा ये कर रहे हो ना, जीते बोल के कांग्रेस मेजोरिटी में आने की वजह से ये कर रहे हैं। अब मैडम के मैडम से हम इंसाफ चाहती है कि इसका मैडम ही हल निकालना, इसका अनुराम साहब से और मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका हल निकालना मैडम। हाँ देखिए सर क्या बोले मैडम, ताहिर भाई क्या बोले, नहीं ये डुप्लीकेट है बोल के बोले, मैं ओरिजिनल है मैं प्रूफ कर दूँ, उनके घर वालों से भी बोलने लगा था तुम्हारे को ओरिजिनल है नहीं है, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरा नाम शेख इमरान। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.